अरे भाई हो, कैसा लगा अंदर? कुछ ना यार, तो ऐसी है। हाँ खाली है वैसे तो, हवा सी है मतलब कुछ नहीं। अच्छा बीच में लग रहा था, बीच में बदबू सी आ रही अजीब सी। तो नहीं ऐसे वहाँ पे वो बुक्स बुक्स पड़ी होगी या कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, क्लीन कर दिया बिल्कुल। ये सरकार इन गार्डिंग वार्डिंग के चक्कर में क्लीन कर दिया। गार्ड मिले थे, स्कूटी आन दी थी तुम्हारी, तुम्हारी मना कर दिया पार्किंग लगा के। हम भी पार्किंग, अरे हम तो निकल जाते, वो हमने टाइम कर दिया, एक बंदा वाला नहीं भैया यहाँ नहीं आती, हम निकल जाते ना तभी मसा आ गया। हमने गलती कर दी, और कुछ नहीं है इधर, और कुछ नहीं भाई, बस ये महल है बस। बना रखी ऊपर छत पे जाने की, गए फिर गए कुछ खुला। हाँ वो ऊपर से तो छत ही छत है, नॉर्मल दीवार भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं है। हाँ ओपन है, पूरा ओपन है, वैसे कुछ नहीं है खास। रात के समय बहुत कुछ है, रात के समय ये जो है, रात के समय हाँ शमशान भी है, और इधर वो भी है, मस्जिद भी अंदर, मस्जिद शमशान होगा भैया। मुझे तो वैसे पता नहीं, फर्स्ट टाइम मैं भी आ रहा हूँ, शमशान भी होगा भाई। पर बीच में जान लोमड़ी वोमड़ी देखी? नहीं यार, नहीं हमारे सामने दो बारी लोमड़ी निकली है, इसी रोड पे। हाँ जैसा है, गाय वाय जा खड़ी है, कुत्ता तो है ही नहीं इधर, कुत्ता तो एक भी नहीं दिखा यार। इधर करते थे, हाँ हाँ वो तो पालतू थे ना, पर इधर अब एक भी नहीं है। इधर बता रहे कि जो सरानी के दो बच्चे थे, एक बच्चा 2017 में मरा, हाँ तो वो बिना खाना पीने के कैसे जिंदा रह लिए 2017 तक? खाना पीना तो कुछ है नहीं, कुछ था ही नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है ना, पानी वानी सुविधा कुछ भी नहीं है, किसी को खाना कैसे देगा कोई? तो 2017 तक चले वो भी मर गया था, फिर 1984 में आए थे, जिंदा कैसे रहे फिर भी इतने साल? वही सोच रहा हूँ, बिना खाने पीने के कैसे रहे जिंदा? वो शिफ्ट हुए थे 84 में, 70 में उन्होंने अपील डाली थी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये रेलवे की जगह थी ना पहले, तो ये रेलवे के अंडर था, तो उन्होंने बोला ये खंडर लेके तुम करोगे क्या? 10 साल तक ये पीरियड चला था उनका, तब जाके फाइनल इनको गोट हुआ था, फिर जाके इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, वो ऐसा था। बुली बटारी मैं भी गया था, अभी गया था, वहीं से आ रहे हैं। अच्छा वहीं से आ रहे हो? हाँ एक ही भी है ना, बंद था वो, महल बंद गया, गया वो महल बंद है, उसको कुछ पैसे वैसे तो अंदर घुसेड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, गार्ड अंदर होता है। आवाज वो बाहर स्कूटी खड़ी थी एक, हाँ वो गार्ड की थी। अच्छा गार्ड अंदर होता है, आवाज देते तो उसे पैसे देते, वो अंदर जान देता, वो सीधा बोलता भाई देखो सिक्योरिटी है उसकी, मतलब उसकी मतलब जो भी उसकी ड्यूटी है वो अलाउड नहीं करता, और ये बोलता यार थोड़ा मेरे को फायदा हो जाए तो आ जाओ अंदर। और वैसे भी तुम क्या लेके जाओगे अंदर से? कुछ लेके थोड़ी ना, थोड़ा 5-10 मिनट अंदर घूमोगे, देखे दाखोगे, बस बाहर निकल जाओगे। अब उसको उसी टाइम पे अपना फायदा था, थोड़ा 50-100 रुपए जो भी है वो दे दो। संजय वन में आई क्या? कुछ भी नहीं है उधर भी, वहाँ पे बस वो एक रोड है, वो रात को 9 बजे के बाद बंद हो जाती है, जाने वाली देखने की चीज ऐसी जगह पे रात को ही है। हाँ भाई सारे ऊपर आने का टाइम भी मतलब एक दो बंदे नहीं, कम से कम 5-10 बंदे तो, हाँ गैंग सी हो ना, 10 बंदे हो ना, हाँ तभी फायदा भाई। तो थोड़ा भाई सेफ भी है, इधर कोई नशीली वशीली गांजे वांजे मार के कुछ कर ले, वही इसलिए गैंग आए तो ज्यादा बेस्ट हो। कोशिश यही हो तो अंदर तक व्हीकल आ जाए तो बहुत बढ़िया है, व्हीकल तो बेस्ट है, क्योंकि व्हीकल यही तक ही वही पे मतलब पार करनी पड़ेगी साइड वाइड में, यहाँ तो आना बेकार ही है, पर बढ़िया है। अभी तक तो गार्ड था, गार्ड भी चला गया, अब तो पूरा हाँ गार्ड गया, अभी गया तो है यार, दूसरी शिफ्ट आएगी, दूसरा गार्ड आएगा। अच्छा चलो, यूट्यूब पे क्या चैनल है आपका भाई? MK व्लॉग्स के नाम से है, MK व्लॉग मैंने देखा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों इन भाइयों के साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा, तो इसी के साथ हम भी सामने आ गए मलसा महल के, दिखाता हूँ। ये है मलसा महल, ये है मलसा महल, इधर कुछ भी सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा थी, और इवन ना ही लाइट की सुविधा थी। 2017 तक इधर कोई सुविधा नहीं थी, और उसके बाद तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। आओ चल भाई ऊपर आओ, ऊपर चलना है ना, मैं तो हाँ वो तो घूम लेंगे, पहले ऊपर आओ। ये है मलसा महल की एंट्री, ये तो स्टेयर है ना, स्टेयर की ऊपर जाने का रास्ता, ये महल है भाई, यहाँ पे पहले फैमिली रहती थी, जहाँ पे बुक सेल्स थे, जहाँ पे बुके बुके भी रखी रहती थी, खाली कर दिया, हाँ गवर्नमेंट द्वारा सब खाली कर दिया गया इधर। बदबू कितनी आ रही है ना, गवर्नमेंट टैंकियां छोड़ के नहाने के लिए। हम्म,
कितना पुराना है ये? मान के चल लो 84 है क्या? बहुत पुराना टाइम है भाई। देख रहे हो हैं? 84 से तो यहाँ पे लोग रहने लग गए थे। उससे पुराने हैं? बहुत पुराने हैं, तो अंग्रेजों के टाइम से भी पहले गए। छत पे चलना है? आओ फिर ध्यान से चलना, कहीं लगवा लो सर पे। देख रहा हूँ मकड़ी वकड़ी ना हो बस। जाले लगे हैं। आ जाओ आराम से। ज्यादा उधर उधर मत जाना, कहीं खोखली ना हो। देख रहे हो दोस्तों, दूर दूर तक जंगल जंगल है, देन आपको सिटी दिखेगी, और हम इस बीच के बीचों बीच जंगल के हम खड़े हैं। देखो दोस्तों, ये है संसद भवन। हाँ मैं कहता रहा, दूर दूर तक जंगल ही है। चार पांच से जगह ये सारा जंगल ही जंगल है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये ऊपर भी था, ये टूट गया। भाई सब आते इधर घूमने, दूर दूर तक जंगल। क्या था भाई? किसी ने बोला जगह दूर तक कोई नहीं, का ट्रक ये रोड जा रही है। रोड नहीं है, एक काम चल रहा है अंदर, उस चीज का ट्रक आ रहा है। ये अंदर का चल रहा है? हाँ सारा अंदर है। हाँ ये दूर दूर तक जितना जंगल दिख रहा है सब अंदर का मामला है सब। ये धोला कुआ के नियर है, ये धोला कुआ का जंगल है बहुत बड़ा। और यहाँ से देखो पूरी दिल्ली देख सकते हो आप यहाँ से। शहर कब से हो गया था? दिल्ली चलो, किसी भी खूबसूरत अंदर चले जाओ। हाँ ये सैटेलाइट्स वो है यंत्र है, ये काट दिया यंत्र वाला है, काट दिया। दोस्तों यहाँ पे रात को ना यूएफओ तरते है। हाँ। ये यूएफओ की झंडे डंडी है यहाँ पे खड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे जादू उतरता, जादू जादू आते है इनके साथ, कोई मिल गया काट दिया। ठीक है कुछ और आता बता दे, इनके भी चलते नीचे। चल ऐसा वो दिन हो गए, चलो चर भाई नीचे चलते हैं। ये हाँ ये खुल्ला है ना, चलो चलो आप चलो ना। नहीं सर आप चलो। अरे महादेव देख के हाँ, किसी की बलि देनी है या कुछ करना है, कभी तो बंदर की, कभी गीदड़ की, कभी कुत्ते की, कभी मोर मार देता। कहाँ पे बैठ के कहाँ पे करता है फिर वो? अंदर ही रात के टाइम में। अच्छा तो गेट खुला होता है? गेट तो ये गेट लगी का रहा, बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड सब क्या करेंगे यार? तो चार जने बैठ तो पिस्टल ले रहे होंगे तो वो क्या करेंगे? अच्छा जी चुप रहेंगे, जा भाई। हाँ वैसे भी उनको क्या भाई, रिस्क थोड़ी ना, बड़ी ग्रिल भी नहीं है, किंगे से कूद के आ जाए। भाई उनको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, उनके चक्कर में क्या कोई 10-12 हजार रुपए में बंदा क्या करेगा? ये है अभी तुम मान लो इसको मारने लगे, ये भी बेचारा क्या करेगा भाई? कर लो जो करना है। सही बात है, जान से कुछ जरूरी होना, हत्या पाई होगी या कोई बात होगी, तुम लोग भी कह देंगे नहीं तुम्हारा गार्ड बेकार है जी, हमारे को बदतमीजी बोल रहा था, उल्टा बोल रहा था, अब इसकी नौकरी जाओगी। हाँ भाई ये भी है, अब गरीब आदमी का हर तरह से मरना ये तो है। हाँ मंदिर तो एक मिनट किससे झगड़ा करेगा? सही कह रहे हो अंकल जी आप। दो हजार सत्रह तक ना इधर क्या था? नहीं 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 2017 तक क्या था, इधर सब कुछ थी, इधर सेल्स थे, बुक्स रखने के टेबल्स थी, मूर्तियां थी, फैमिली की सब कुछ थे, सब कुछ कहते हैं ना, जो सारे टेबल टूटे फूटे, चेयर वेयर सब पड़ी हुआ करती थी टूटी फूटी। बट वक्त के साथ जैसे ये गवर्नमेंट के अंडर आ गई फिर से, अब जैसे आज देख रहे होंगे गार्ड्स रखवाली कर रहे एरिया की, तो उन्होंने सारी चीजें सफाई करवा दी अंदर से, और साथ साथ देखो चमगादड़ मरा हुआ है देखो। हाँ
चमगादड़ है मरा हुआ और इधर बहुत ज्यादा चमगादड़ भी है भाई यहाँ। हाँ सही में बहुत ज्यादा। रात को क्या करेंगे इधर आके, रहने दो पड़े रहने दो से। ओके नमस्कार अंकल जी। अच्छा अंकल, तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापिस जाएंगे, वही जानवर वही बंदरों से सेफली चलेंगे सर भाई। तो इसी के साथ मैं यहीं पे ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड, क्योंकि बीच में बंदर बड़े रिस्क कर रहे थे, लाइक दिक्कत थी क्योंकि कैमरा ट्राइपॉड इन सबको छीनने का भी डर था और वो हमें घुर्रा भी रहे थे, जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी डर के मारे। तो दोस्तों हम इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आप सबको अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द नेक्स्ट ब्लॉग भी आए। बाय दोस्तों।